नगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर एएसआई और दलाल को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने एएसआई कुलविंदर सिंह और दलाल विक्की को 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सत्यापन के दौरान 4,000 रिश्वत ले चुका था और मारपीट के मामले में रिश्वत की मांग की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोर एएसआई और दलाल को ट्रैप किया है। आपको बता दें कि एक मामले में रिश्वत के लिए सौदा तय किया गया था। परिवादी की सूचना पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और ट्रैप के लिए जाल बिछाया। इस दौरान एसीबी की टीम ने एएसआई और दलाल को धर दबोचा है। 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मारपीट के एक मामले में रिश्वत की डिमांड की गई थी। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन करवाने के बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता मलकीत सिंह। मलकीत, क्या है पूरा मामला? किस मामले में ये रिश्वत की डिमांड की गई थी और क्या अन्य कोई मामले भी सामने आए हैं रिश्वत के? बिल्कुल आशीष, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर एएसआई के दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 6,000 रुपए लेते हुए एएसआई कुलविंदर सिंह व दलाल विक्की सेतिया को गिरफ्तार किया है। सत्यापन के दौरान पूर्व में भी ये एएसआई और दलाल जो है 4,000 की रिश्वत ले चुके हैं। जो कोई मारपीट का मामला दर्ज था उस मामले में जो है राहत देने की एवज में इनके द्वारा जो है ये रिश्वत की मांग की गई थी। 20,000 रिश्वत की मांग की गई थी जो 10,000 में सौदा तय हुआ। 4,000 रुपए जो सत्यापन के वक्त ले लिए थे और 6,000 रुपए आज जो है देते हुए एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी वेद का घोटिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। एसीबी टीम जो है आगे की पूछताछ कर रही है। जी आशीष जी बिल्कुल, क्या इनकी शिकायतें पहले भी मिल रही थी या ये पहला मामला है? और दूसरी बात, पुलिस थाने का एएसआई ट्रैप किया गया है तो जाहिर तौर पर पुलिस थाने में भी हड़कंप मचा होगा। बिल्कुल, पुलिस थाने के साथ साथ पूरे गंगानगर जिले की पुलिस महकमे में जो हड़कंप मचा हुआ है और पहले इस तरह के कोई रिश्वत लेता रहा है या नहीं रहता रहा, इसकी जो है एसीबी टीम जांच कर रही है। अभी जांच करने के बाद ही जो खुलासा हो पाएगा। गंगानगर का जो परिवादी सोन लाल है उसके द्वारा ये परिवाद दिया गया था। उसके जो दोनों बेटों पे कोई मारपीट का कोई मुकदमा दर्ज था उस मामले में जो है ये एएसआई द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। जी आशीष, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता मलकीत सिंह, जिन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोर एएसआई और दलाल को ट्रैप किया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं।